टूल्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मंदीप और आप देख रहे हैं मंदीप टूल्स। तो इस चैनल पे जैसे मैं आपको दिखाता हूं टूल्स, आज बात करेंगे भविष्य के टूल्स के बारे में। जी हां, न्यूमेटिक टूल्स की बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको इम्पैक्ट रेंचेस और आधे इंची से लेके जितनी भी रेंज आती है इनमें, वो सारी इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे और प्राइस भी साथ में आपको वीडियो में ही बता देंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो लास्ट तक देखना, अच्छी लगी तो लाइक दबा देना, बुरी लगी डिसलाइक कर देना। कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो में क्या सुधार की जरूरत थी अगर डिसलाइक किया। तो वीडियो को शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको कंप्लीट रेंज। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। तो कैसे हैं आप? बहुत अच्छे सर, आप सुनाएं ठीक ठाक? हम भी बढ़िया सर। और आप बताएं आज वीडियो में क्या दिखाने जा रहे हैं? सर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं न्यूमेटिक रेंज की रेंज। तो सर न्यूमेटिक के बारे में पहले आप थोड़ा, जैसे हम ज्ञान हर वीडियो में देते हैं तो थोड़ा सा ज्ञान दे दें न्यूमेटिक का कैसे। न्यूमेटिक जो मशीन है ये एक कंप्रेसर की तरह से चलती है, ठीक है। कंप्रेशर से हवा आती है जी, हवा के साथ ये मशीन चलती है, ठीक है। इस मशीन में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट कोई नहीं, मतलब खराबी का भी कोई खराबी नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ गियर होते हैं, वो गियर ही घिसेंगे लेकिन वो लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं, 3-4 साल 5 साल 6 साल उनकी लाइफ ज्यादा है आम मशीन के अगर मुकाबले में बात करें। जो पावर टूल्स आते हैं हमारे उनसे ज्यादा लाइफ इनकी होती है और भविष्य भी इनमें ही है मेरे हिसाब से। बड़ी इंडस्ट्री में भविष्य यही है, आप किसी भी चल जाओ गैरेज में, चल जाओ किसी भी सर्विस, जो आपकी कार की सर्विस कराते हो, स्कूटर की सर्विस कराते हो, मोटरसाइकिल सर्विस कराते हो, उसकी आप सर्विस सेंटर में जाकर देखोगे सारे न्यूमेटिक रेंज ही दिखेंगे आपको, और टोटल न्यूमेटिक ही आगे वाला फ्यूचर। तो दोस्तों आज जो वीडियो में आपको हम प्रोडक्ट्स दिखाने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी असेंबली लाइन में यही काम करते हैं और प्रोडक्शन से काम करके देते हैं। तो सर आज है क्या वो बता देंगे। सर ये है न्यूमेटिक रेंज, ठीक है जी। तो इसका सर काम, इसका काम नट बोल्ट खोलने के लिए। सर इस मशीन से आप किसी भी एक पंचर वाला भी इसको यूज कर सकता है जी, कोई आपकी फैक्ट्री में मशीनरी के नट बोल्ट आप कसते हैं जी उसमें यूज कर सकते हैं, प्रोडक्शन वर्क में काम कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास कोई गैरेज है उसमें काम कर सकते हैं, ट्रक के, कार के, स्कूटर के, किसी के भी नट बोल्ट आप खोल सकते हैं। तो सर कौन कौन से साइजेस अवेलेबल हैं अपने पास देख रहे हैं? सर हमारे पास इस वक्त जो अवेलेबल है आधी इंची, ठीक है जी, ड्राइव वाले और 1 इंची ड्राइव वाले अवेलेबल है, ठीक है सर। इसमें कुछ स्पेशल भी आते हैं जिसमें एल टाइप होता है या मिनी होता है जहाँ पे हाथ में जा सकते हैं जी, वो वाले तो स्पेशल होते हैं। वो मोस्टली हर एक इंडस्ट्री में काम, वो हर इंडस्ट्री में काम नहीं आते, वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, इसलिए वो हम स्टॉक में नहीं रखते, ऑर्डर पे रखते हैं, ठीक है। जैसे वो स्ट्रेट वाला होता है वो कंबाइन वगैरह की इंडस्ट्री में ज्यादा काम होता है। जैसे आपके घर में कोई भी आप छोटी छोटी रेंच रखते हैं ना, ये इंडस्ट्री के रेंचेस हैं, ठीक है सर। तो सबसे पहले फिर आधे इंची से ही बात करेंगे सर। तो पहला सवाल ये है कि कितने साइज तक का काम इससे कर सकते हैं? सर ये जो आधी इंच के रेंज है जी, स्टार्टिंग मॉडल जी हमारा ये आता है सिर्फ 2500 रुपए का पहले तो, ठीक है जी। और इससे आप सर 20 mm तक का काम कर सकते हैं, 20 mm तक का, 20 mm तक का नट बोल्ट खोल सकते हैं आप। कोई स्कूटर मोटरसाइकिल वाला बंदा जिसको यूज कर सकता है, या 20 mm तक की कोई मशीनरी के नट बोल्ट है उसके पास, उसके एक यूज कर सकते हैं। जो गोटियां रहती हैं 24 mm तक गोटी साथ रहती है जी, लेकिन जो इसकी वर्किंग कैपेसिटी है आपकी 20 mm तक अच्छी कैपेसिटी करती है। जो ये गोटियां भी आती है इम्पैक्ट गोटियां आती है, अच्छा, इसको हम इम्पैक्ट सॉकेट्स कहते हैं जी। ये इम्पैक्ट क्यों कहते हैं, झटके से चलती है, इसमें इतनी स्ट्रेंथ होती है टूटती नहीं है, टूटती नहीं है, टाइट होने पे ये फ्री भी होती होगी जी, वो इसके अंदर रेंच होता है, अच्छा जी, ये रेंच होता है इसके अंदर। इसमें रिवर्स पावर का सिस्टम दोनों है, ये देखो एफ और आर लिखा है, ठीक है जी। तो ये रिवर्स और पावर यहाँ से हो जाता है, ठीक है सर। ये बटन से हम ऑन करते हैं, ये जहां पे जाके इसको टाइट करना है, टाइट होने के बाद ये फ्री हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं सर, एयर का प्रेशर जो हम ले रहे हैं वो कहाँ से, इसका इनपुट कहाँ पे? सर वो यहाँ से आएगा, ठीक है जी। और दूसरा वॉल्व जो है ये ऑयल करने के लिए, ये मशीन को लीव करने के लिए जी, यहाँ पे अंदर इसके ऑयलिंग करते हैं, ठीक है जी, ठीक है। और यहाँ से आप टॉर्क सेट कर सकते हैं, ठीक है, टॉर्क एक्चुअली, ठीक है। जैसे आपने वो ग्रारियों के बारे में बताया था कि ग्रारियां हैं तो उनको जी, जी, करना है, ठीक है जी। तो 2500 रुपए इसकी कॉस्ट है सर, प्लस शिपिंग प्लस टैक्स, प्लस टैक्स प्लस शिपिंग जी, ठीक है। इसके बाद सर हमारे पास मॉडल आता है, इसी में हैवी ड्यूटी मॉडल आता है, ठीक है सर, जो आपका 27 mm तक काम करता है, 27 mm तक का जी, जी, जी। कर सकते हैं, मतलब उसमें 20 mm, इसमें 27 mm जी। इसकी टॉर्क होती है 320 mm और इसकी 720 mm होती है, NM होती है, NM होती है, ठीक है। तो दोस्तों मैं क्लियर कर दूंगा आपको, जैसे हम कोई भी पावर टूल दूसरा लेते हैं बिजली वाला, तो उसमें हम वॉट से बात करते हैं, RPM से बात करते हैं, तो इनमें न्यूमेटिक टूल्स में हम टॉर्क से बात करते हैं जो कि NM में काउंट होती है, तो वही आपको यहाँ बताया है।
सर ये तो हो गया छोटी इंडस्ट्री, जैसे गैरेज हो गया, टू व्हीलर का गैरेज हो गया, फोर व्हीलर का, वहाँ पे तो ये इस्तेमाल हो जाएगा जी सर। जो भाई है बड़े बड़े ट्रकों के साथ निपटते हैं जी बिल्कुल, उनके लिए हमारे उनके लिए हमारे पास है यहाँ पे जी, ये मॉडल उनके लिए है, सुपर जीनेट का, ये क्लाइमेक्स का है, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे तरह के मॉडल आते हैं। तो ये दो मॉडल यहाँ पे आपने बताए हैं, ठीक है, तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है जी? सेम सर, एक हैवी है एक लाइट है, ठीक है। प्राइस का डिफरेंस है, क्वालिटी का डिफरेंस है, क्वालिटी का डिफरेंस है। तो पहले थोड़ा लो वाले से ही बात करेंगे सर। सर जो लोअर वाला है हमारा, ये मॉडल है, ये आपका कॉस्ट करता है 10,000 रुपए का सर। 10,000 रुपए का जी, प्लस टैक्स। प्लस टैक्स। तो टॉर्क सर कितनी है इसकी? इसकी टॉर्क तकरीबन रहती है 2400 Nm, ठीक है सर। और कितने नंबर तक के साइज का इससे काम कर सकते हैं? इससे भी आप 30-32 Nm तक का काम कर सकते हैं, ठीक है जी। बहुत अच्छे तरीके से आप ट्रक वगैरह के काम कर सकते हैं, ट्रक के बड़े जो होते हैं नट्स होते हैं बोल्ट्स होते हैं इतने बड़े बड़े होते हैं, वो आराम से खोल सकते हैं इसमें। तो सर वेट अगर बात करूं वेट की भी, वेट कितना होगा इस मशीन का? इसका वेट 13 किलो रहता है। 13 किलो रहता है जी। तो जो अपना इससे हैवी, जो इससे हैवी है उसका वेट सर 18 किलो रहता है, ठीक है। इसकी कीमत रहती है सिर्फ 11,500 प्लस टैक्स। मतलब दोनों में डिफरेंस है 1,500 का, 1,500 का फर्क आता है, ठीक है। ये 11,500 का आता है, 10,000 का आता है। क्वालिटी में काफी डिफरेंस मिल जाएगा, क्वालिटी में काफी डिफरेंस है, टॉर्क का काफी डिफरेंस है, इसके वेट का काफी डिफरेंस। ये 18 किलो का रहता है, ये 13 किलो का रहता है। ये इसका जो टॉर्क रहेगा वो 2900 Nm रहेगा, इसका टॉर्क आपका 2400 के आसपास रहेगा। तो थोड़ा व्यूवर्स को ये बता दें सर, वेट का ज्यादा होने का बेनिफिट क्या है? सर वेट का ज्यादा होने का बेनिफिट ये है कि मशीन में जो गियर्स हैं वो हैवी रहेंगे, ठीक है। मशीन के जी जी जितना गियर हैवी रहेगा उसमें उसको उतनी टॉर्क मिलेगी, उसको उतना जोर मिलेगा। टॉर्क मतलब जोर, ठीक है। कितने जोर के साथ वो कस सकता है उसको, ठीक है। हम उसको टॉर्क बोलते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों अकेले प्रोडक्ट नहीं दिखाते आपको, हम ज्ञान भी बांटते हैं। तो थोड़ा सा ज्ञान यहाँ बट रहा है, आप भी ले लें, मैंने भी ले लिया। ये तो हो गए जी अपने प्रोडक्ट, अभी आपने ये चार प्रोडक्ट दिखा दिए। अब किसी भाई ने इनको ऑर्डर करना हो, आपसे जानकारी लेनी हो, तो वो किस तरह ले? सर ऑर्डर करने के लिए हमारा नंबर स्क्रीन पे आ ही रहा है जी। एड्रेस है महाराजा इंजीनियरिंग टूल्स, शॉप नंबर 10, सेंट्रल मार्केट, गिल रोड, लुधियाना जी। आप हमें विजिट भी कर सकते हैं या हमें कॉल करके आप ऑर्डर भी बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें, हम आपको आंसर करेंगे। तो डिलीवरी के बारे में बताएं सर। डिलीवरी सर हमारा सर लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, आप कहीं भी पैन इंडिया कहीं भी मंगवा सकते हैं सर, ठीक है सर। और डिलीवरी चार्जेस कस्टमर पे करेगा? डिलीवरी चार्जेस कस्टमर पे करेगा, पेमेंट हमारी एडवांस रहेगी, हम सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स लेते हैं। तो कृपया हमें ये ना कहें कि सर पैसा कैश ऑन डिलीवरी रहेगी, कैश ऑन डिलीवरी नहीं रहते। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मैंने आपको पहले रिक्वेस्ट की थी छोटी सी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पे मिलेंगी इसी तरह की टूल्स की वीडियो, तो मिलते हैं इसी तरह की किसी और टूल की वीडियो में। टिल देन गुड बाय।